हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो कि आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प करेंगे। ठीक है, सभी एग्जाम में हेल्प करेंगे, ठीक है। और ये सारे मिक्स क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन आपको दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश में, ठीक है। जो भी आपकी परफेक्ट लैंग्वेज है उसमें आप आंसर दे दिएगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिना आप लोगों का टाइम वेस्ट करे। सबसे पहले इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो पंजशिर वैली है, ठीक है, जो काफ़ी फेमस है, तो वो टूरिज्म के लिए फेमस है। तो ये कहाँ पे स्थित है, आपको ये बताना है कि जो पंजशिर वैली है, ठीक, काफ़ी फेमस, वो कहाँ पे स्थित है, कौन से कंट्री में है, ठीक है, आपको ये बताना है, ठीक है। तो हर क्वेश्चन में आपको थोड़ा बहुत टाइम मिलेगा, ठीक है, और प्रयास करना, खुद से आंसर देने की कोशिश करना, ठीक है, आपके लिए यही बेस्ट रहेगा, ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है। और अगर फिर भी आपको एक दो बार याद ना हो ये क्वेश्चन, ठीक है, तो दो तीन बार देख लें, ठीक है, इस वीडियो को रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको बताना है कि जो पंजशिर वैली है कहाँ पे स्थित है, तो इसका आंसर आपको बताना है कहाँ पे स्थित है ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट हो जाएगा अफगानिस्तान, ठीक है, ए इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि 1857 के कानपुर विद्रोह का नेता कौन था। तो 1857 का विद्रोह सभी को पता होगा, ठीक है, लेकिन इसमें यह पूछा गया जो कानपुर का विद्रोह हुआ था उसका हेड कौन था, उसको कौन लीड कर रहा था, ठीक है, उसके बारे में आपको पूछा गया, ठीक है। तो एक चर्बी वाले कारतूस थे, ठीक है, आप सभी को पता ही होगा, ठीक है, उसके लिए था ये विद्रोह, ठीक है। तो इसमें पूछा गया है कानपुर का विद्रोह का नेता कौन था, ठीक है, सिंपल आपको ये बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका राइट हो जाएगा डी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, नाना साहब, ठीक है। तो जैसे इनका आपने काफी कई बार नाम सुना होगा, ठीक है, तो ये थे कानपुर के विद्रोह के नेता, ठीक है, नाना साहब, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि दुनिया में सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है, ठीक है, तो पेनिनसुला वर्ल्ड का सबसे बड़ा कौन सा है, आपको ये बताना है इनमें से, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटिक्स सब कुछ इसमें मिक्स होंगे क्वेश्चन, ठीक है, करंट अफेयर के भी इंपॉर्टेंट होंगे कुछ क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको इसका आंसर बताना है कि कौन सा है सबसे बड़ा दुनिया का लार्जेस्ट पेनिनसुला। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अराबिया, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है किस देश के मध्य एशिया के चौराहे, ठीक है, के रूप में भी जाना जाता है। तो आपको बताना है कौन सा देश है, ठीक है, जिसके मिडिल एशिया हो, ठीक है, उसको चौराहे के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा अफगानिस्तान, ठीक है, इससे चारों जगह जा सकते हैं, ठीक है, इसलिए इसको जाना जाता है, ठीक है, अफगानिस्तान इसका बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि रोहिंग्या संकट के समाधान में बांग्लादेश मदद के लिए भारत द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या था। तो आपको बताना है क्या नाम था उस ऑपरेशन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑपरेशन इंसानियत, ठीक है। तो ये जो नीचे लगा हुआ है ये सब्सक्राइब फॉर दिल्ली एंड ऑल्सो ऑल गवर्नमेंट एग्जाम, तो मतलब कि ये जो सवेरे मॉर्निंग में क्लास चल रही है, ठीक है, तो उसके लिए चल रही है, तो कॉन्स्टेबल, ठीक है, जो भर्ती निकली है दिल्ली पुलिस में, ठीक है, 27 नवंबर का जिसका एग्जाम है, ठीक है, तो उसके लिए लगा रखा है, ठीक है। अगर आपने तैयारी करनी उसके लिए भी तो उसका भी वो भी क्लास देख ले, उसमें भी सारे क्वेश्चन मिक्स होते हैं, ठीक है, तो जो आते हैं, ठीक है, उसी में से सारे सिलेक्ट करे हुए हैं, ठीक है, 2010 से लेके 20 तक जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने थे, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन उसमें मर्ज करके रखे हुए, ठीक है, एक साथ हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी, ठीक है, जो सवेरे क्लास होती है, ठीक है, तो भी क्लास है, ठीक है, वो भी देख लीजिएगा करेगा, और ये तो है बाकी सारे एग्जाम के लिए, ठीक है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑपरेशन इंसानियत, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है किस देश के राष्ट्रीय ध्वज में ड्रैगन है। तो आपको बताना है किसके राष्ट्र में जो झंडा है, ठीक है, उसमें ड्रैगन की इमेज बनी हुई है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसका करेक्ट हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटान, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि नगर पालिका का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो ये पॉलिटी का आंसर है, सॉरी क्वेश्चन है पॉलिटी का ये, ठीक है। तो आपको बताना है कि नगर पालिका जो होती है, ठीक है, शहरों में, तो उसके मेंबर बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए आपकी, वो इसमें पूछा गया है, ठीक है। तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक प्रारूपों में पुस्तकों को डैश कहा जाता है। तो आपको बताना है इलेक्ट्रिकों में, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक बुक इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में बुक को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे कि आप सभी ने सुना होगा ई बुक्स होता है, ठीक है, बहुत कुछ चल रहा है, ई व्हीकल बहुत कुछ है, ई के नाम से होता है, ठीक। तो क्या होता है, ई लगा होता है, मेन होता है इलेक्ट्रॉनिक के लिए, ठीक है, तो ई बुक्स बोलते हैं,
ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि कनोजी कोडे सॉरी कोजी कोड अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को किस नाम से जाना जाता है। तो कोची कोड ये अभी कर्नाटका में है, ठीक है, जहाँ पे अभी हादसा हो गया था, ठीक है, तो उसी के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो किस नाम से जाना जाता है आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा कारीपुर एयरपोर्ट। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण का मुख्यालय किस शहर में स्थित है। तो आपको बताना है एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हेडक्वार्टर लोकेटेड इन विच ऑफ सिटी। ठीक है, तो कौन सी सिटी में है, ठीक है, आपको ये बताना है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा वैसे कहाँ पे है, सारे दिल्ली में है, ठीक है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है, चीज़ याद रखना पूछा गया। ठीक है, तो न्यू दिल्ली आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि बोइंग कंपनी का मुख्यालय किस देश में स्थित है। तो आपको बताना है बोइंग कंपनी का हेडक्वार्टर कहाँ पे स्थित है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा यूएसए में स्थित है ये बोइंग कंपनी का हेडक्वार्टर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सरनाथ स्तंभ के चक्र को इंगित करता है। तो आपको बताना है, ठीक है, जो सरनाथ स्तंभ है, ठीक है, उसमें चक्र लगा है, वो क्या दर्शाता है, आपको बताना है क्या इंडिकेट करता है वो, उसका मतलब क्या है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोग्रेस। ठीक है, प्रोग्रेस ग्रोथ, ठीक है, इस चीज़ की इंडिकेट करता है, ये दिखाता है वो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन तीन कठिया प्रथा से संबंधित है। तो आपको बताना है तीन कठिया से कौन सा इनमें से संबंधित है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा चंपारण। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अयोध्या में 2 एकड़ जमीन की मांग की है। तो आपको बताना है किसने की है और किसने की है, ताकि वह उस राज्य के श्रद्धालुओं के लिए यात्री निवास बनवा सके। ठीक है, तो किसने मांगी है जगह, ठीक है, कौन से राज्य के मुख्यमंत्री ने मांगी है जगह ये। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसा आप सभी को पता होगा सबसे पहले बीजेपी और ये शिवसेना थे, ठीक है, जो आजकल बने हुए ठाकरे जी, ठीक है, महाराष्ट्र के जो सीएम है, ठीक है, वो भी पहले राम मंदिर बनाने के लिए थे, ठीक है, वो अभी वो महाराष्ट्र के सीएम बने हुए उद्धव ठाकरे जी, ठीक है, तो उनके द्वारा जगह मांगी गई है अयोध्या में। ठीक है, तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दो अक्षांशों के बीच की दूरी लगभग डैश होती है। तो आपको बताना है डिस्टेंस बिटवीन टू लेटीट्यूड, ठीक है, लेटीट्यूड ज्योग्राफी क्वेश्चन है, तो दो लेटीट्यूड के बीच में, ठीक है, कितनी दूरी होती है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 111 किलोमीटर होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है किस स्थान को अब भारत में व्हाइट वाटर के रूप में जाना जाता है। तो आपको बताना है किस स्थान को अब भारत में व्हाइट वाटर के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा सियाचिन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि लीला सैमसन किस शास्त्रीय नृत्य शैली से जुड़ी है। तो आपको बताना है लीला सैमसन किससे जुड़ी हुई है। तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा फर्स्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम से जुड़ी हुई है ये। ठीक है, याद रखना ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि भूटान के राष्ट्रीय ध्वज का भगवा नारंगी रंग डैश का प्रतीक है। तो आपको बताना है भूटान के राष्ट्रीय ध्वज का जो भगवा नारंगी रंग है वो क्या दर्शाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा द प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन। ठीक है, धर्म का प्रतीक है ये। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त कार्यशाला डैश के लिए रखता है। तो आपको बताना है किस लिए रखता है। कितने टाइम के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा या तो 65 साल हो जाएंगे, ठीक है, या फिर होएगा 6 ईयर्स। ठीक है, जैसे कि मोदी जी हैं, ठीक है, तो अभी वो 63 साल के शायद हो चुके हैं, ठीक है, एक या 2 साल ही उनके बचे हैं, उसके बाद में वो हट जाएंगे, ठीक है, पीएम से, ठीक है, उसके बाद में कोई और आएगा, ठीक है, क्योंकि उनकी 65 साल उम्र हो जाएगी। ठीक है,
तो वैसे ही चुनाव की बात की गई थी, तो इसका आंसर सही हो जाएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज का लास्ट क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा आज का सेशन। ठीक है, तो चैनल से नए जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, और लाइक भी कर दें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें।